तो बेटा आज का टॉपिक हमारा आ जाता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन सिंपली इंजेक्टिंग अ वैक्सीन। और इम्यूनाइजेशन क्या है? कि भी मेकिंग एन ऑर्गेनिज्म इम्यून टू ए पर्टिकुलर डिजीज बाय वैक्सीन, राइट? सो वैक्सीनेशन इज सिंपली इंजेक्टिंग द वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन इज मेकिंग अ पर्सन इम्यून, पर्सन या ऑर्गेनिज्म इम्यून टू ए स्पेसिफिक डिजीज बाय इंजेक्टिंग वैक्सीन। दैट इज इम्यूनाइजेशन। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या वैक्सीनेशन, सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी? जल्दी से बताओ, मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन? हवे एनीबडी? हरगोन मेयंग कर्णव? हाँ जी अर्णव, बताओ फटाफट से। एडवर्ड जेनर, बिल्कुल ठीक है। और उसने किसके लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी? बहुत छोटी क्लासेस में बेटा, आप इंग्लिश में स्टोरी पढ़ते ही हो। ही डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर Smallpox. Edward Jenner discovered vaccine for smallpox. इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी थी बेटा। Had I told you the story of this Edward Jenner? मैम शायद से बता दी थी। हाँ चलो मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इट वॉज द टाइम वेन देयर वॉज एपिडेमिक और पेंडेमिक, आई कांट से, ऑफ यू नो स्मॉलपॉक्स। स्मॉलपॉक्स हर इंसान को, मतलब जगह जगह, इट इज वेरी इंफेक्शियस ऑल्सो, ये हमें पता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है बहुत ज्यादा, जैसे अब आपको पता चल गया पेंडेमिक क्या चीज होती है। इट वॉज पेंडेमिक ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। बट एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की है, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, उनकी सबसे ज्यादा एबिलिटी क्या थी, कि दे हैड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। हम चीजों को ऐसे ही देख के अच्छा होगा चला, या देखते ही नहीं, पता ही नहीं चलता हमें, ठीक है। तो जितने भी, जैसे अगर हम कहें न्यूटन, है ना, सेब तो ऊपर से नीचे गिरते सबने देखा है, बट उसने उस ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट किया। तो ही वॉज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर, एंड वट ही ऑब्जर्व दैट मिल्कमेड्स जो है, जो गवाले है, दे डू नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जितने भी गवाले हैं उनको स्मॉल पॉक्स होती नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा कि द काउ, काउज दे सफर फ्रॉम काउ पॉक्स वायरस,
ठीक है, और काओ पॉक्स जब वो ग्वाले काओस को ट्रीट करते हैं या उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, दे गेट द इन्फेक्शन ऑफ काओ पॉक्स, राइट? बट काओ पॉक्स, वी हैव इनेट इम्यूनिटी फॉर काओ पॉक्स. दिस काओ पॉक्स वायरस रिजेंबल्स स्मॉल पॉक्स वायरस, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम है, ड्यू टू विच काओ पॉक्स तो हमें कुछ नहीं करता बिकॉज वी हैव इनेट इम्यूनिटी फॉर दैट, बट द मेमोरी सेल्स ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ cowpox virus with smallpox virus, our memory cells for smallpox virus gets activated, theek hai? And when, you know, unfortunately, if somebody gets contacted with smallpox virus, the milkmaids ki hum baat kar rahe hain, their memory cells gets quickly activated, form lot of antibodies that causes death of the smallpox virus, ya smallpox virus ko aage बढ़ने ही नहीं देता, ठीक है? तो द मिल्कमेड्स दे वर नेचुरली इम्यून टू द स्मॉल पॉक्स. तो फिर उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, कि अब जैसे अब देखा है ना कि जैसे कोविड, अब बहुत सारी चीजें हमें इम्यूनोलॉजी के बारे में पता चल गई. तो जब कोविड की वैक्सीन को टेस्ट करना था तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने एट वेरियस कंट्रीज बहुत सारे लोगों को कहा कि वॉलंटियर्स आए वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, वॉलंटियर्स. अब तो हमें पता है वैक्सीन क्या है क्या नहीं है, गवर्नमेंट भी हमें इंश्योरिटी देती है, भी हमने एनिमल्स पे चेक कर ली है, नो प्रॉब्लम, यू कम हैव ट्रायल्स फॉर दिस वैक्सीन. बट उस टाइम, जिस टाइम एडवर्ड जेनर ने काम किया था, वैक्सीन नाम की कोई चीज नहीं थी. बट इवन देन उसने अनाउंसमेंट की कि मैं बचा सकता हूँ शायद, बट कोई टेस्टिंग के लिए मेरे पास आए तो सही, ठीक है? तो उसने किसको बुलाया, एक स्मॉल बॉय ऑफ 4 ईयर ओल्ड, है ना, जेम्स फिप्स नाम था उस लड़के का, उसकी मदर जो है उसको लेके आई कि यू कैन टेस्ट योर वैक्सीन ऑन दिस बॉय, ठीक है? तो उसने यहाँ पे उसकी बाजू पे एक छोटा सा यू जो भी कहो वुंड बनाया, कुछ बनाया, पॉकेट सी बनाई और उसमें काउपॉक्स वायरस डाल दी, ठीक है? और फिर उसने कहा कि भाई चलो थोड़ा बुखार आएगा, थोड़े से पस्ट्यूल्स आएंगे, तो मे बी उस टाइम भी पैरासिटामोल जैसी कोई टेबलेट होगी, आपने ये दे देना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हैव फेथ ऑन मी, ठीक है? और ऐसा ही हुआ, बच्चे को थोड़ा बहुत बुखार आया, ज्यादा नहीं, वो पैरासिटामोल टाइप जो भी टेबलेट थी वो दी उसको, बच्चा ठीक हो गया. आफ्टर 15 डेज तो उसने क्या किया, एक्टिव स्मॉल पॉक्स वायरस लिया, जो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड था उसके पस्ट्यूल्स में से उसने लिया, ठीक है? एंड he injected the smallpox virus into James Phipps, and to his, you know, joy, kitni khushi hoti hai ki that boy was not suffered from smallpox, right? So he was the first person to discovered vaccination. So what is actually vaccine? Composition of vaccine, it can be dead microbe, it can be inactive, or you can say weakened microbe, it can be only माइक्रोब पूरा नहीं है, एंटीजेनिक पार्ट ऑफ माइक्रोब, इट कैन बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड antigen of microbe, ठीक है बेटा? पहले ये लिखो, मैं जरा एक मिनट में बस बता बात कर रही हूं. हां जी बेटा, genetically engineered antigen of microbe prepared in, बेटा ये हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे ना,
तो उसमें पता चलेगा कि कैसे कोई सेगमेंट कैसे प्रिपेयर हो जाती है माइक्रोब की, किसमें, बैक्टीरिया या यीस्ट में, प्रिपेयर्ड इन बैक्टीरिया या फिर यीस्ट। इसमें बैक्टीरिया या यीस्ट में सिर्फ हमने क्या प्रोड्यूस किया, माइक्रोब का सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट। एंटीजेनिक पार्ट मीन्स विच कैन एक्टिवेट अवर इम्यून सिस्टम बट कैन नॉट कॉज द डिजीज। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है, दीज कैन एक्टिवेट अवर इम्यून सिस्टम टू प्रिपेयर, इम्यून सिस्टम, आईएस मीन्स इम्यून सिस्टम टू प्रिपेयर, यू कैन से मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स, बट डू नॉट कॉज द डिजीज। वैक्सीन से हमें डिजीज नहीं होता है, ठीक है, ये मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बट बहुत सारी वैक्सीन्स है जिनके मेमोरी सेल्स लाइफ लॉन्ग रहते हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स है जिनके मेमोरी सेल्स की एज जो है वो कम है, इसलिए वो वैक्सीन हमें, जैसे अब कोविड की वैक्सीन है, हमें नहीं पता कि इसकी मेमोरी कितने, इसके मेमोरी सेल्स कितने टाइम रहेंगे, ठीक है, ये टेस्ट करने पे ही पता चलेगा, और हो सकता है इसकी वैक्सीन हर साल या 2 साल बाद लेनी पड़े, बूस्टर डोसेस। यू नो टाइफॉइड की वैक्सीन आती है, हमारे इंडिया में बहुत हम वैक्सीन नहीं लेते, दैट इज गुड आई थिंक कि भाई खुद ही डेवलप हो जाएंगे, बट वट आई हैव हर्ड, मैंने पता तो नहीं है मुझे ज्यादा, बट मैंने लोगों से सुना है और जो वहां के लोग हैं कि वो हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन लेते हैं। हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की क्या जरूरत है, कोल्ड कफ होएगा आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये विचार है, बट दे टेक वैक्सीनेशन, बहुत सारी चीजें हैं, टाइफॉइड की वैक्सीनेशन इंडिया में भी चलती है, बट टाइफॉइड की वैक्सीनेशन 3-1 साल उसका असर रहता है, ठीक है, फिर दोबारा लगानी पड़ती है, इस तरह बहुत सारी वैक्सीन्स है, बट देयर आर सम वैक्सीन सच एज बीसीजी, सच एज पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो की वैक्सीन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीपीटी, ये वैक्सीन्स है जिनके मेमोरी सेल्स, चिकन पॉक्स, राइट, जिनके वे जो मेमोरी सेल्स है दे लिव लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये, फिर दूसरी एक और पॉइंट लिख लो, फिर हम ये लिख लेंगे कि लाइफ ऑफ मेमोरी सेल्स और वेरियस माइक्रोब्स इज वेरिएबल, देयरफॉर इन सम केसेस वैक्सीन वंस टेकन is enough as their memory cells live lifelong. Whereas in some others, lifespan of memory cells is short and thus require booster doses after specific interval. ठीक है जी, एक और पॉइंट बताऊंगी फिर आप लिखना।
कंपल्सरी वैक्सीन्स जो है, जो WHO ने कहा है कि ये वैक्सीन्स फ्री होनी चाहिए और वो हॉस्पिटल्स में जाकर फ्री लगती है, दैट इज BCG, DPT, then another is Salk vaccine for polio. ठीक है जी. Another is, मेरा मतलब ये जो वैक्सीन्स है, दीज आर कंपल्सरी वैक्सीन्स. अदर्स, जो हम जनरली अपने बच्चों को देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कंपल्सरी नहीं है बट आजकल हर हॉस्पिटल कहता है कि लेके आओ, लगवानी चाहिए. अनदर इज योर चिकन पॉक्स. ये सब वैक्सीन्स दे हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पैन. ठीक है, लिखो पहले ये. तो राइट डाउन, वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन, वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी of the adaptive immunity या acquired immunity, of the adaptive immunity or acquired immunity. मैं थोड़ी सी इन टर्म्स के मतलब बता दीजिए. बीसीजी, बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्यूराइन, बेसिलस कालमेट ग्यूराइन. इट इज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, इट इज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, कॉज्ड बाय बेसिलस बैक्टीरिया एंड द वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय कालमेट ग्यूराइन. ठीक है जी. नेक्स्ट है डीपीटी, इट इज अगेंस्ट डिफ्थीरिया पर्ट्यूसस एंड टेटनस, गलघोटू, काली खांसी, टेटनस आपको पता है दोनों रेस्पिरेटरी डिजीजेस है. डिफ्थीरिया इज गलघोटू, produces is काली खांसी, whooping cough, and produces is whooping cough. ठीक है, this is DPT. Next, Salk vaccine is injectable vaccine. Salk vaccine is injectable vaccine, whereas OPV, oral polio vaccine, is Sabin's vaccine. Sabin vaccine. Next आ जाइए. OPV क्या है? Oral polio है ना, polio drops देते हैं ना बेटा हम बच्चों को. ओरल पोलियो वैक्सीन. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बैक्टीरियल सेल्स, इन बैक्टीरियल सेल्स.
इसी वैक्सीनेशन में ही आ जाइए, दैट इज एंटीटॉक्सिन्स, टॉपिक यही है एंटीटॉक्सिन्स. दीज आर रेडीमेड एंटीबॉडीज. दीज आर रेडीमेड एंटीबॉडीज विच आर इंजेक्टेड टू प्रिवेंट लीथल डिजीजेस. सच एज अगर हम कहें, वैसे तो हम टेटनस की वैक्सीन लगवाते हैं, है ना, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस. बट अगेन हम बात क्या करें, टेटनस के जो मेमोरी सेल्स है वो शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए एटीएस इज इंजेक्टेड in case of any road injury. Road की injury नहीं, हमारी injury अगर road पे हो जाए तो उस केस में हम ATS का injection लगवाते हैं. ATS is anti-tetanus serum. These are antibodies against tetanus. Clostridium tetani के against antibodies है, ठीक है, prepared in horse. तो horse को में हम, क्योंकि tetanus का जो बेटा जो माइक्रोब है वो डेंजरस है, राइट, तो हम क्या करते हैं उसकी, हम ये नहीं कि ह्यूमन में डाल के उसमें से एंटीबॉडीज इकट्ठी कर ले, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो हम हॉर्स में टेटनस का वीक एंटीजन डालते हैं ताकि हॉर्स भी ना मरे, और उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती है, तो हम उसके ब्लड में से सीरम निकाल लेते हैं, उसमें से एंटीबॉडीज प्योरीफाई करके उसके इंजेक्शन बना लेते हैं, दैट इज एटीएस. अनदर इज ADS, anti diphtheria serum, ठीक है, it is again prepared in sheep. anti snake venom antibodies, these are injected in case of snake bite. ठीक है, तो ये जितने हैं एंटीटॉक्सिन्स जो है, यहां पे नीचे लिख लेना कि एंटीटॉक्सिन्स, क्योंकि वी इंजेक्ट, एंटीटॉक्सिन्स आर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, राइट, पहले से ही एंटीबॉडीज है, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनाइजेशन. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता रही हूं, पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे, आर्टिफिशियल, हमने बाहर से दी है, नेचुरल नहीं है, सो इट प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट एंटीटॉक्सिन्स. ठीक है, लिखो ये. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एलर्जीज पे. किसी को, है ना, जनरली जिसकी
बॉडी में प्रॉब्लम ना हो तो उसको डस्ट से, डस्ट तो हमारे चलती रहती है ठीक है, बट कुछ लोगों को आपने देखा होगा थोड़ी सी डस्ट थोड़ी सी मिट्टी झाड़ो और साथ ही छींके लगनी शुरू हो जाती है, साथ ही कफ होना शुरू हो जाता है, सो दैट इज एलर्जी। कई बार क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर खाने से है ना, बहुत आजकल बहुत सुनने में आया वीट एलर्जी बहुत है लोगों को, तो वीट थोड़ा सा भी अंदर चला जाए उनके यू नो एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह रप्चरिंग हो जाती है ठीक है, दैट इज वीट एलर्जी। बहुत सारे कईयों को मैंने सुना है, इंडिया में इतना नहीं है बट मैंने ऑस्ट्रेलिया कैनेडा यहाँ सुना है कि बच्चों को नट्स की बहुत एलर्जी है ना, हम सुनते भी अच्छा किसी को बादाम खा के भी एलर्जी हो जाती है, बट सम ऑफ माई ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स दे टोल्ड मी दैट कि भाई वो बच्चे तो जो है ना, मेरा मतलब इट्स बैंड इन स्कूल्स टू ब्रिंग नट्स ठीक है, कोई स्कूल में वहां पे बैन है, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रही हूँ कि बैन है कि कोई नट्स नहीं लेके आएगा ठीक है, और हमारे यहाँ तो होटल्स में जाओ तो ग्रेवी नट्स की बनती है राइट, तो वहां पे तो कहते हैं होटल्स में जाओ तो वो स्पेसिफिक पहले एक तुमसे फॉर्म भरवाते हैं कि तुम किस किस चीज की एलर्जी को, उसके अकॉर्डिंग खाना देते हैं। दिस इज स्ट्रेंज बट आई विश। तो एलर्जी क्या चीज है कि ये डस्ट हो गई या पोलन्स हो गए या फिर एनिमल्स की स्किन हो गई राइट, अनदर इज यू नो द फूड आइटम्स होगी, ऑल्दो दे डू नॉट हार्म अवर बॉडी एक्सेप्ट फ्यू इंडिविजुअल्स हुज यू नो हुज इम्यून सिस्टम इज सर्टेन हैज सर्टेन एबनॉर्मेलिटी ठीक है, उनकी इम्यून सिस्टम में कुछ एबनॉर्मेलिटी है ड्यू टू विच दे द इम्यून सिस्टम गेट्स हाइपर सेंसिटिव टू दोज सब्सटेंसेस विच आर जनरली नॉट हार्मफुल राइट, सो देन वी कम टू एलर्जीज। अर्नव कह रहा है बनाना से देखिए है ना, अर्नव इज यू नो एलर्जिक टू बनाना ठीक है ना, मेरे घर में पहले माई मदर she was allergic to certain certain pulses, कुछ pulses थी, वो दालें खाते थे तो मेरा मतलब जरा सी थोड़ी सी दालें खाई और ये पर्टिकुलर दाल खाई तो उन्हें vomiting शुरू हो जाती ठीक है, she was allergic to that। तो इस तरह allergies जो है these are hypersensitivity of our immune system to certain substances which are generally not harmful। That are, you know, allergies, and allergies are due to these maybe, जरूरी नहीं है maybe due to genetic or physiological problems। Substances causing common allergies इनको क्या बोलते हैं, these are called as allergens। बहुत सारी चीजों की allergies होती है but common allergens are dust, pollen, then these are animal dander is ki unke hair unki skin ki jo slough off hoti hai right,
than in some even low temperature. ठीक है, और भी सम फूड आइटम्स ऑल्सो. What are the common symptoms? Sneezing, breathlessness, रनिंग नोज. ये तो जनरली जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है, बट वोमिटिंग्स, स्किन रैशेस, दीज आर एलर्जीज. प्रोसेस क्या है एलर्जीज की? हाइपर सेंसिटिविटी है ना, तो सिक्रीशन ऑफ IgE एंटीबॉडीज. दीज IgE एंटीबॉडीज अटैच विद मास्ट सेल्स. They burst and release histamine and कह लीजिए या और serotonin, and these are responsible for cause allergies. कुछ allergies histamine के कारण है, कुछ सीरोटोनिन, बट मैक्सिमम हिस्टेमिन के कारण. मेन जो है वो ये है. व्हाट इज द क्योर? एंटी हिस्टेमिन ड्रग्स, जैसे हम सिट्रीजिन वगैरह ले लेते हैं, एविल ले लेते हैं, ये सब एंटी हिस्टेमिन है, नॉन स्टीरोइडल है. देन एड्रीनालिन, ये भी नॉन स्टीरोइडल है, स्टीरोइड है तो हार्मोन है बट नॉन स्टीरोइड हार्मोन है. और कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज स्टीरोइडल, स्टीरोइड है. ठीक है, विच इज गिवन इन केस ऑफ सीवियर एलर्जीज. और एलर्जीज टेस्ट कैसे करते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी वो चीज देख के देखते हैं, है ना, जिससे हमें पता हो कि ये एलर्जी कर सकता है, उसको थोड़ी सी चीज जो है वो दे दी. डस्ट, पोलन, इससे तो पता चल ही जाता है. अगर फूड आइटम्स है या कुछ है, या कुछ मेडिसिन से भी, कईयों को पेंसिलिन से एलर्जी होती है. ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जीज, अस्थमा, हे फीवर, ड्यू टू पोलन. अनदर इज एक्जीमा, एक्जीमा भी कई बार जो है एलर्जीज कॉज करता है. ठीक है, सो अनदर इज पेंसिलिन may cause allergies in some, right? करो ये, एक और चीज नोट कर लो यहां. एलर्जीज इन सम, इन सम केसेस स्वीयर एलर्जी ऑफ होल बॉडी, मेनली अगर हम कहें
due to penicillin. Or some other drug. It is called as anaphylactic shock. बेटा इस केस में क्या होता है कि पूरी बॉडी में एलर्जी होगी, इतना हिस्टेमिन सिक्रीट हो गया. हिस्टेमिन क्या करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल सारे डायलेट कर दी, खुल गई, ड्यू टू विच ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस. पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई है, ब्लड प्रेशर इमीडिएटली डिक्रीज कर जाता है, बहुत लो हो जाता है. अगर हम एंटी हिस्टामिन या कॉर्टिसोल उसी टाइम अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, इंसान जो है एलर्जी से नहीं, वो लो ब्लड प्रेशर से मर जाए. तो इस केस में हमें इमीडिएटली जो है वो कॉर्टिसोल इंजेक्ट करना पड़ता है, जो इमीडिएटली मास्क सेल्स को खत्म करता है, हिस्टामिन की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है. मैं ये लिखवा दूंगी, बट पहले आप यहां तक लिख लीजिए. तो यहां पे लिख लीजिए, इन एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू रिलीज ऑफ लॉट ऑफ हिस्टामिन कॉमा देयर इज डायलेशन ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच the blood pressure decreases drastically. Due to which the blood pressure decreases drastically. And it may cause death if not treated immediately. नेक्स्ट हम आ जाएंगे बेटा ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो का मतलब है अपना. जब इम्यून सिस्टम अपने ही स्ट्रक्चर्स पे, अपने ही टिश्यूज और ऑर्गन्स पे अटैक करना शुरू कर दे, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीजेस. देयर आर टू करोलरीज होता है टू व्यूज अबाउट द सेम थिंग. टू करोलरीज है, one is that acquired immunity recognizes self and non-self antigens. Immune system attacks only on non-self antigen. और दूसरी तरफ क्या देखा गया है कि other is that due to genetic or unknown reasons,
our immune system attacks on some of harpene, some pe self antigens. एक तरफ तो कहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ नॉन सेल्फ एंटीजन पे अटैक करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे भी नहीं भाई किसी कारण से वो अपने सेल्फ एंटीजन पे भी अटैक कर सकती है. एग्जैक्ट रीजंस अभी हमें सभी नहीं पता, ठीक है. एंड इट कॉज ऑटो इम्यून डिजीजेस सच एज डायबिटीज मेलाइटिस. Failure of beta cells of Isles of Legrand's in pancreas. Another is Hashimoto disease. जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड. थायराइड ग्लैंड एंड इट कॉसेस हाइपोथायरॉयडिज्म. अनदर वेरी कॉमन is rheumatoid arthritis RA. Rheumatoid arthritis in which there occurs degeneration of synovial membrane. In joints, another is multiple sclerosis. Death of myelin sheath of neurons. और भी बहुत सारे हैं, but these are the common autoimmune diseases, right? करो note.